तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रुपिंद्रा बुल्ट वर्कशॉप पे। आज हम फिर हाजिर है एक नई इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे हम कि हम जब सेकंड हैंड बाइक लेते हैं तो इसके अंदर क्या चेक करना चाहिए। हाँ जी, मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, बाइक के अंदर सारी बाइक आ चुकी है। वैसे स्पेशली हम बुल्ट के बारे में बात करेंगे। इस बुल्ट के अंदर ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम गाड़ी को पहले स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट करके आपको पहले तो इंजन की साउंड है जो हमारी चेक करनी है, उसकी क्या किस टाइप से है। ये देखिए, जैसे इसके इंजन की साउंड है, आगे से कोई भी आवाज नहीं आ रही, ये देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर हल्की हल्की टिक टिक टिन टिन सी होती है, वो तो मोस्टली सारी गाड़ियों में आती है अपनी। और जो हल्की हल्की जो आवाज आती है उसको दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा ही आवाज आए, साउंड आए, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ है, उसको थोड़ी सी बुल्ट को अवॉइड करें। वैसे ले तो उसको भी सकते हैं, पर थोड़ी सी हम अपने जो उसके पैसे कम कर देंगे। इसके साथ साथ आपको क्या चेक करना है, साउंड और इसके बाद हमें क्या चेक करना है इंजन के अंदर ही कि इंजन डाउन तो नहीं, अपने जो रिंग वगैरह है इसके डाउन तो नहीं, क्या पहचाना उसकी। उसकी ये पहचान जो अपना साइलेंसर होता है पीछे वाला, इसके अंदर आपको उंगली मार के देखनी है, ऐसे करके साफ देखना है। ये यहाँ से ब्लैक ब्लैक स्मोक नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। हल्का फुल्का तो आता है, पर ज्यादा आएगा तो इसका मतलब इसकी रिंग डाउन है। मतलब ये गाड़ी जो तेल उठाती है वो साइलेंसर में यहाँ धुआं छोड़ती है, और जो हमारा स्मोक यहाँ पे तेल आ जाएगा बिल्कुल, तो इससे हमारा इंजन डाउन है। तो और तीसरी कमी क्या है हमारे बुल्ट के अंदर, आपको सबसे पहले बाद में चेक करना है इसका मीटर, कि हमारी गाड़ी कितनी चली हुई है। जैसे कि 21,000 चल रही है, और कई भाई की चलती है अपनी 8,000-9,000 गाड़ी, और देखने में कंडीशन लगता है कि ज्यादा डाउन है। तो आप कैसे पहचान करें, कि आप सोचो कि भाई क्या पता बंदे ने मीटर बैक करवा रखा हो या फिर मीटर उसका बंद हो, तो उसकी क्या पहचान है। उसकी ये पहचान है कि जो हमारी अगर मीटर चल रहा हो हमारा 9,000, और जो अगर हमारे टायर हो इस कंडीशन के, जैसे कि इसके टायर घिस रहे हैं, डाउन हो रहे इतने, मतलब ये है अपने 60% टायर तो डाउन है इसका, तो उसकी क्या पहचान है। अगर टायर डाउन हो तो अपना समझ लेना कि भाई अगर 20-25 हज़ार तो कम से कम चल रही है, जैसे कि 21,000 चल रही है, और उसके टायर की कंडीशन चेक करिए आप। और इसके साथ साथ अगर आपकी गाड़ी का उसका गाड़ी का टायर चेंज हो पीछे वाला, तो उसकी गाड़ी चल रही होगी 35,000 के आसपास चल रही होगी, क्योंकि पिछले वाला टायर हमारा 30 के आसपास चलता है। और अगर फ्रंट टायर उसका चेंज हो तो समझ लेना वो गाड़ी 35-40 हज़ार के 20 आसपास चल रही है। और ये टायर चेक करने के बाद हमको क्या चेक करना है, अब कई गाड़ियों में अलॉय व्हील फिट होते हैं, जैसे कि इस बाइक की गाड़ी में अलॉय व्हील है। तो अलॉय व्हील देखने के बाद कस्टमर सोचते हैं हाँ भाई मेरी गाड़ी तो बिल्कुल ओके है, उन्होंने शो के तौर पे ले रखी है। तो लेने से पहले आप सिर्फ अलॉय व्हील की लुक ना देखें, उसके अंदर के भी देखें। जैसे कि हम बंदे को देखते हैं तो उसकी सिर्फ बॉडी शेप नहीं देखते, उसका दिल वगैरह भी देखते हैं भाई किस तरह का। तो ऐसे ही जिस तरह हमने अलॉय व्हील देखे हैं, अलॉय व्हील के अंदर ये चीज देखनी है, जब गाड़ी बैंड होती लगती है आगे खड्डों में, तो ये हमारे जो अलॉय व्हील है यहाँ से बैंड हो जाते हैं। आपको पीछे ऐसे घुमाकर अलॉय व्हील चेक करना है कि उसके अंदर कोई बल वगैरह तो नहीं है, कोई अंदर डबक तो नहीं है, इस तरह की चीज आपको देखनी बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ से बैंड हो जाएगा, ऐसे पीछे की तरफ होएगा, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि अलॉय व्हील के अंदर कोई बैंड नहीं है। इसके साथ साथ हमें क्या चेक करना है अपना, कि गाड़ी की आप लुक चेक कर सकते हैं कि भाई गाड़ी के हमारे कोई एक्सीडेंटल तो नहीं है। एक्सीडेंटल क्या पहचान होगी, जो हमारे जो मरगाड़ वगैरह होंगे वो साथ के होंगे। खैर आप जो पहली बार जो बंदा बुलट लेगा उसको तो खैर पता नहीं चलेगा, जिस जो भाई ने पहले बुलट रखी है उसको तो पता चल जाएगा भाई कौन सी चीज साथ की है कौन सी चीज साथ की नहीं है। फिर भी आपको मैं मोटा मोटा तौर पर बता देता हूँ, जैसे कि गाड़ी हमारे में टंकी में डेंट नहीं होना चाहिए कहीं भी, मतलब छोटा मोटा तो चल जाता है कि गाड़ी गिरती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा डेंट नहीं होना चाहिए। और जो हमारा ये मरगाड़ का गैप है, ये चेक करिए आप, ये कम से कम इतना तो रहना चाहिए आपका। अगर किसी का ये सिर्फ 4 उंगली आती हो, 4 इंची हो या 5 इंची हो, तो उसकी थोड़ी गड़बड़ है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, क्योंकि आगे से जब गाड़ी हमारी लगती है तो चेसी हमारी बैंड हो जाती है। इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हो कि भाई गाड़ी अगर ऐसी हो तो क्या करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें क्या चेक करना है, अब वैसे मेन तो बात मैंने आपको फिर भी बता दी है। इसके अलावा फिर भी एक मेन चीज़ है कि गाड़ी के अंदर ग्लाई नहीं होनी चाहिए। ग्लाई से मेरा मतलब कि रस्टिंग प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खैर ये काम होता है कि कहीं कहीं का पानी थोड़ा अलग होता है, कि जो पानी है तो जरा देता है कई गाड़ियों में, और कई जिस तरह की 10 साल हो गए 12 साल हो गए उन गाड़ियों कुछ नहीं होता। पर कई गाड़ी ऐसी भी है जो 2018 मॉडल है उनकी सारी गल जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा रखी भाई कही होगी भाई कि यहाँ से चेसी क्रैक हो जाती है। अगर यहाँ से भी चेसी क्रैक हो तो भी थोड़ा आपको जो उसका ओनर है उसको कहना चाहिए कि भाई यहाँ से चेसी आपकी क्रैक हो रही है। ये चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों करने से ना, जो बंदा पहली बार बुलट ले रहा होगा, जो बंदा पहली बार लेता है तो बुलट यही सोचता है मैं उसको शो के तौर पर चलाऊंगा, अपना गेड़ी रूट मारूंगा उसमें और कुछ नहीं करना मुझे, तो वो सोचता है कि भाई मेरी बुलट में कोई कमी ना हो। तो उसके लिए मोस्टली सबसे पहले ये वीडियो है कि भाई आपको लेने से पहले क्या क्या चेक करना, अपना इंजन हो गया एक्सीडेंटल होना चाहिए, ये वाला वेल्डिंग जैसी क्रैक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा सोचता है कि मैं जब गाड़ी लूंगा एक ही बार काम कराऊंगा अपना फिनिशिंग वगैरह का। उसके अलावा अगर वो लेते ही बाइक को अगर उसने गाड़ी खुलवानी पड़ जाए तो उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा उसको।
तो जो हमारा पहले बंदा होगा उसको ये चीज देखनी बहुत जरूरी है, अगर वरना वैसे बुलेट में अगर ये दिक्कत हो तो वैसे रिपेयर तो हो जाती है, क्योंकि बुलेट का तो कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि आदमी बूढ़ा हो जाता है, पर गाड़ी जो हमारी बाइक है वो बूढ़ी नहीं होती, इसको आप रिस्टोर करके दोबारा वैसे की वैसी बन जाती है। पर फिर भी हमें ये चीज़ को जरूर देखनी चाहिए कि हमारा इंजन ओके होना चाहिए, और अपना जो कार्बोरेटर वगैरह ये चेक करनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो हमारा चैन सेट है, चैन सेट क्या आपको पता होगा कि चैन सेट भी ठीक रहना चाहिए। खैर चैन सेट वाली कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो 2000 के आसपास सारा चेंज ही हो जाता है। इसके साथ साथ क्या चेक करना चाहिए हमें, क्या भाई ना टंकी को ऊपर से रखते हैं क्लीन बिल्कुल, तो बंदा सोच नहीं सकता कि अंदर इसके अंदर ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आपको क्या देखना है, आपको ये जो हमारा वो है इसको खोलकर इसके अंदर ये चेक करना है कि रस्टिंग प्रॉब्लम तो नहीं, अगर इसके अंदर रस्टिंग प्रॉब्लम होगी तो बंदा गाड़ी ज्यादा खड़ी रखता होगा। और इसके अलावा एक बात और, अगर यहाँ पर कट नहीं होना चाहिए टंकी के अंदर, जिस तरह की बिल्कुल गुलाई है, अगर इसके अंदर कट होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी गाड़ी टंकी डेंट था बड़े वाला, तो उन्होंने यहाँ से काट कर फिर डेंट उठवाया। और इसके साथ साथ आपको सबसे पहले तो आपको इंजन की साउंड तो मैंने आपके भाई बताई दी है, और गाड़ी लुक होनी चाहिए सही। और ये तो होगी हमारी स्टैंडर्ड की बात, स्टैंडर्ड के बाद हमें क्लासिक लेने से पहले क्या चेक करना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। आइए, जैसे कि हमारी ये वाली क्लासिक है, क्लासिक बाइक है, इसके अंदर भी वही चीज है जो हमारा चैन सेट वगैरह हो गया, और हमारा जो इंजन की साउंड होगी, इस तरह की चीज चेक करनी है हमें। पर क्या भाई ये सोचते हैं कि जब हम गाड़ी को क्लासिक को स्टार्ट करते हैं देखिए इसके इसके इंजन के अंदर इतनी साउंड नहीं है, जैसे कि आपने देखा इसके इंजन के अंदर इतनी साउंड नहीं है, पर जब हम सलफ ऑन करते हैं इसका तो ये क्लच टायर साइड से आवाज आती है, जो इस तरह की साउंड आती है ये साउंड अपने इंजन की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो अपना सलफ की गरारी होती है उसकी साउंड होती है। तो इससे आप घबराए ना ज्यादा, खैर ये तो अपना 4,000 और 5,000 के बीच के अंदर अंदर अपना आ जाता है खर्चा इसका, तो ये इंजन की साउंड नहीं है। और वही सेम थ्योरी इसके अंदर लागू होती है, जो अपना टायर चेक करो अपना, और हमारा जो मीटर है वो चेक करो। पर इसके साथ साथ ना एक चीज और देखनी चाहिए आपको क्लासिक लेते टाइम, कि जब भी हम बाइक लेते हैं बुलेट ऑन करते हैं तो कई बाइक की हाइट होती है छोटी, और वो ले लेते हैं क्लासिक, तो उसको छोटी कराने के लिए क्या कराते हैं, यहाँ से अपना शोकर कटवा सुप्रिंग कटवा देते हैं ताकि गाड़ी छोटी हो जाए हमारी। तो वो चीज़ देखनी, अगर आपकी अपनी हेल्थ और अपनी लेंथ लंबी है तो आपको, तो उसके हिसाब से आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है। और जो वही हमारे रिम वगैरह चेक करने हैं, अगर इसके अंदर अलॉय व्हील, क्लासिक के अंदर रिम बहुत ही कम चांस है कि अलॉय व्हील हो, इसके अंदर ज़्यादातर रिम ही लोग चलाते हैं। उसके साथ साथ आपको अलॉय व्हील के ये प्ले वगैरह भी चेक करनी है, तभी अलॉय व्हील अंदर से डैमेज तो नहीं, जैसे मैंने आपको दूसरी वाली बुलेट के अंदर बताया था कि आगे से बैंड नहीं होना चाहिए अलॉय व्हील, और वैसे ही सेम इसकी अपनी, खासकर आपको स्टैंडर्ड की देखो ना देखो, पर क्लासिक की आपको चेसी जरूर चेक करनी है वो यहीं से, क्योंकि इन गाड़ियों की भी अपनी जो चेसी है ज्यादा डाउन होती है, और अपना ये चीज आपको चेक करनी बहुत जरूरी है। और जो भी हमारे मरगाड़ की गड़ाई वगैरह होगी, खैर ये चीज तो मैं आपको दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो भी आप ये चीज होगी, इस तरह की मरगाड़ वगैरह गल रहे हैं ला लो, और अपना बफिंग वगैरह, खैर चमका चमकी तो अपनी बुलेट की हो जाती है, ये छोटी मोटी चीज़ तो आप रिपेयर करवा सकते हो, पर फिर भी हमें चेक तो करनी चाहिए कि भाई हमारी गाड़ी के साउंड तो नहीं कर रही ज़्यादा, इंजन अपना टायर वगैरह ठीक है, किलोमीटर गाड़ी कितनी चल रही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो।